सो मैं दिवाली के जिहड़े दीवे ने ओह तुहाडे लई विद्या दा चानण, तरक्की दा चानण, तंदुरुस्ती दा चानण लैके आउण। अज धनतेरस है, अज कुछ नवा खरीदा जांदा है, तुहाडे तुसीं तां नवीं अज डिग्री लैके चले हो, अज नवीं नियुक्ति पत्र लैके चले हो, तो तुसीं बहुत किस्मत वाले हो। तो मैनूं उम्मीद है कि पंजाब सारा ही किस्मत वाला हो जूगा, थोड़ा जिहा थोड़ा हौली हौली टाइम तो लग जूगा, पर आपां जदों सच्ची नीयत नाल कोई काम करिए ना फिर परमात्मा साथ देंदा। फिर स्पोर्ट्स वाल रुझान बधूगा लोगों का, मैं असं भी खड़ा वाँगा आप जवाकों यार पुलिस के जिस तरह चीमा साहब कहा भर्ती शुरू करती हैं कि करो भर्ती यार, नवी पोस्टा क्रिएट करो। क्यों आप करी जाने कि मुंडे मतलब ये नहीं है, ये नहीं है कि टीचर नहीं है पंजाब, टीचर बहुत ने। असं तो हम 12,710 अभी पक्के किए ने, हम पहला कितने से पानी की टेंकियों से, स्कूल खाली है, स्कूल के सामने पानी टेंकी है वो भरी पई है माटर ना। मैं उन्होंने थले ला के इधर इधर इधरले पास भेजो यार स्कूल जाओ। 12,710 किए जी टी टी वाले, जिहड़े जिन्होंने कोई होर ही नाम रखे हुए थे सिक्ख्या प्रोवाइडर पता नहीं की, टीचर कहो यार, मास्टर कहो उन्होंने। छोटी मोटी गल है किसी ने पढ़ाना, किसी ने विद्या का दान देना, विद्या का दान तो सब तो वड्डा, विद्या विचारी तो परोपकारी, इज्जत मान मिले टीचर नूं ता हो अपने जवाकों। जो टीचर ही आपके फ्यूचर की चिंता हो अपने बच्चों का फ्यूचर कितने बनाऊगा। सो आ लैके चलें आइडिया से आपदियाँ, सानू कोई लोड़ नहीं जी। मैंने पत्रकार कहें जी कुर्सी से तुम बह गए, इस कुर्सी से बह के बहुत बड़े बड़े दिमाग खराब हो जाता, थोड़ा नहीं होया, 1.5 साल हो गया। मैं एक फर्क है, च फर्क यह जो पहला से ना वो कुर्सी से बह के मशहूर होंगे, मैं मशहूर होकर कुर्सी से बैठे। मैंने कोई दौलत शोहरत की लड़ नहीं, किसी अखबार ज किसी टीवी पर अपनी फोटो छुपाने का चा नहीं, सिर्फ चा है तो जनून है तो लोगों वास्ते काम करता है कि इसे जन्म चीज़ कितने काम आ जाइए पंजाबी दू बड़ा पुन की हो सकता। इतनी नरक सुरग ने अब्दुल कलाम जी ने कहा सुपने वो नहीं होंगे जोड़े थोनों नींद चाहते हैं, सुपने वो होंगे ने जो थोड़ा सौन नहीं देंगे, वो सुपने लैके चले हैं। पंजाब नू रंगला पंजाब बनाने का सुपना मैंने सौन नहीं दिता, पंजाब के नौजवानों मुंडे कुड़ियों उन्हों की डिग्री मुताबक उन्होंने अहदे देना वह सुपना मैंने सौन नहीं दिता, पंजाब के व्यापार इन्ना ज़्यादा वधिया होवे कि पंजाब नंबर 1 बन जाए वह सुपना मैंने सौन नहीं दिता, पंजाब के मजदूर किसानों की भलाई होवे उन्होंने फसल बिकन MSP से बिकन भंगड़े पाते जान मंडिया चो वह सुपना मैंने सौन नहीं दिता। सो सुपना वो नहीं होंगे जो नींद चाहता, सुपना वो होंगे जो सौन नहीं दिता, बड़े सुपने लेने चाहिए। कई बंदे कुर्सियां करके जाने जाते हैं पर कई कुर्सियां बंद करके जाने जाते हैं, कई बंदे कुर्सियां बह के बैठे हो जाते हैं, कई कुर्सियां बंद करके बड़िया हो जाए, डिसीजन की लाए उ बह के अगर गल कर गए पंजाबियों सामने भी दस दो कदों ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया, कदों तो बाहर भजन लग गए पंजाबी, मैं दस देना नहीं तो फिर कदों तो बाहर भजन लग गए आना हालात ने। कहावत है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिहो जिहे ने उन्होंने यह जी नज़र आता, बस उन्होंने हमेशा आपके रिश्तेदार, उन्होंने हमेशा पैसा, उन्होंने हमेशा आपका कारोबार ही नज़र आता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सानू हमेशा पंजाब के लोग नज़र आते हैं कि यार नहीं आप कि चेर हम कनेडा अमरीका कहीं जाई जावे, वो मुल्कों भी बुरा हाल हो गया, रोज़ उतों मौत दियां खबर आदियां ने, उत्थे बहुत बुरा हाल है, कोई सौखा नहीं है जाके उत्थे सैट होना, इत्थी कर लिए धरती उपजाऊ है, कौम मेहनती है, कोई चीज़ की घाट नहीं रखी हुई परमात्मा ने, इत्थी कर लिए सिस्टम ठीक कर लिए, उस सिस्टम नूं ठीक करने वास्ते अज तुहानू नियुक्ति पत्र दिते जा रहे हैं, अपना अपना योगदान जरूर पायो इस सिस्टम नूं ठीक करने दे विच। हर किसी के हाथ में बिक जाएं इसके लिए हम तैयार नहीं, हर किसी के हाथ में बिक जाएं इसके लिए हम तैयार नहीं, हम हैं कोई तेरे शहर का अखबार नहीं। सो जे तुसी आप सोच लोगे कि मैं हाँ जी, मैं अपनी जमीर में गल करके करना, मैं गलत काम नहीं करना, तो किसको केड़ा माई का लाल थानू खरीद लूगा, बिकता तो वही है जो मंडी च है, जो मंडी च नहीं कीमत की पाऊंगे, जो मंडी च नहीं है कीमत की पाऊंगे, विकता वो है जो मंडी अवेलेबल है, वह रेट घट वध हो सकता है, पर जो मंडी च नहीं है वह की खरीद लोगे। गुरभजन गिल जी का शेयर है कि अपने वालों तो दरिया बड़े घर जाता है पर समुद्र के जाके वह मर जाता है, गर्दन सीधी रखने का मुल तार रहे हैं जनाब, बशर्मा का तो नीवी पा के भी सर जाता है, कल नीवी पानी उन्होंने, तो इस करके पंजाब की गर्दन सीधी रखने का मुल तारा जो मर्जी तारना पवे पर पंजाब की गर्दन झुकन नहीं देनी। और बहुत वधिया नतीजे आ रहे हैं, बहुत वधिया
हौली हौली रंग ले पंजाब के रंग, हजे 1.5 साल ही होया ना, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो 70 साल पुराने रोग में तुम 1.5 साल थोड़ा जहा मोड़ा जहा तो पै गया ना। तो पिंड जाओगे अच्छ जलेबियाँ अच्छ बन गया ना पिंड, अच्छ कड़ाही चढ़ूगी ना, अच्छा कल चढ़ूगी, भंगड़े पहन गए, पूरा पिंड आऊगा बधाई देन। साडे पिंड का एक होर मुंडा सरकारी नौकरी से लग गया, साडे पिंड की एक होर कुड़ी सरकारी नौकरी से लग गई। पिंड हूँ आपस ये कंपीटिशन है कि साढ़े 5 हो गए, थोड़े कहने 6 ने, अच्छा फिर साढ़े भी 2-3 मुंडे हम अगे आवे। सो नौकरियों का कंपीटिशन कराओ यार, तुम आपस लड़ाई जाने उन्होंने, और नौकरी की कोई घाट नहीं होंगी, नीयत साफ होनी चाहिए। साढ़े को भी उही खजाना जनाब, उही बिजली के खंभे ने, उही तारा ने, उही ग्रिड ने, हूँ किमें आँदी है? असी कोई नवें तो लिया के लाते कितों, नाले खजाने च घाटा नहीं है जी, खजाने च वाधू पैसा, खजाने च पैसा आऊगा तो पब्लिक से लगेगा ना। पहला की होंगे सी खजाने च पैसा आ जाता सी, पर जाता इदा के घर से फिर लोगों वास्ते बचते कुछ नहीं, पासपोर्ट बनाते फिर मंगोलिया चले जाओ, अर्मीनिया च बकरियां चारते फिरते मुंडे, अर्मीनिया वर्गे गरीब देश साढ़े पंजाबी फिरते जी, आ दुबई शारजा ना शेखा के उठ चारते फिरते हैं। जो मैंने फोन आता उन्होंने ना, मैं बहुत बुरा लगता कि यार 6.5 फुटे जवान साढ़े उठ चारते फिरते उत्ते टिब्बे च शेखा दे, तो कहते बुला लो भाई जी वापस बुला लो, बुलावे थोड़ा टाइम दे दो बस। ये सूबा यार तुसी दुनिया के एक्सपर्ट लिया के जमीन दिखा दो ते लोग दिखा दो, लै शर्त ला लो, एक दिन च कह देंगे कि यह सूबा भुखा मर नहीं सकता, इन्नी फर्टाइल लैंड है, इन्नी कौम मेहनती है, पानी है, पहाड़ है, सारा कुछ है, फिर असं यार भजी जाने उधर। इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ पंजाब। चक्के फिर उही फिरते हैं वो सुखबीर बाल के मगर खड़े 3-4 जो उन्होंने कुछ नहीं देखना उन्होंने बोलिया की है, उन्होंने कहा सह कितने चलना वो बोले सोना यार की करी जाने यार। कोई देखता नहीं भी वह कोई गल बोले सोने अल जकारा छड़न वाली कोई जगह है या ना, ना जी वो माँ का पुत उन्होंने ये नहीं पता लगता कि ना और फरीदकोट या पटियाले है वो छी जाता उत्तों है जी, और कांग्रेस वाले कदे उधर चल जाते हैं, भाजपा कहीं कहीं इधर सह कुटता सी, फिर उधर पता नहीं कि ऑक्सीजन मिल गई, फिर उधरों भी कहते ना हूँ इधर कुटता इधर आवेंगे आ की ना ज़्यादा बोल दूँगा टीवी पर बेरका राजकुमार बेरका पहले कांग्रेस वालों बोल जाता सी, फिर बीजेपी वालों बोलने लग गया, हूँ फिर कांग्रेस आ गया। मैं तेरे ना तो बेरका का दुध ही चंगा यार, फैक्ट्री चो फैक्ट्री चो एक बार निकल के दोबारा फैक्ट्री नहीं होता ना, सही है ना, कहना बन ठीक है कमाल है यार। फिर वो समझते क्यों यार, हूँ मैं इधर आ गया हूँ मैंने इधर एक्सैप्ट करो, हूँ मैं उधर चला गया मैं उधर एक्सैप्ट करो, खड़ो तो सही कद लोगों कैप्टन का परिवार कैप्टन का टप्पर जदों मुगलों का राज सी ये मुगलों नाल सी, अंग्रेजों का राज आ गया ये अंग्रेजों नाल हो गए, कांग्रेस का राज आ गया ये कांग्रेस नाल हो गए, अकाली दल का राज आ गया ये अकाली दल च हो गए, बीजेपी का राज आ गया हूँ बीजेपी च हो गए। माँ के पुतों ने कुछ छड़े ही नहीं यार, ठेका लिया से तुम्हें वोटा पाँव का यार, रिश्तियां करातिया असी कि तुम जिधर जाओ असं उधर ही जाइए, मर जा चिड़िए ज्यों जा चिड़िए। सो इस करके साथ दिओ साडा, असी अपने अपने काम धंधे छड के आए हुए हाँ, नहीं मैं भी पैसे कमाई जाता फिल्मों, मैं कहना कोई फेल कलाकार से जी, अब मेरी टीम ही है सारी फिल्मों, करमजीत हो गया, अनमोल मुंडा, बिन्नू हो गया, सारे जुगनू वाली टीम ही है सारी, तो मैनू की लड़ सी फिर पता लाने की भी मैंने की लड़ सी तू गाला सुनने की, पैसे कमा मैं वधिया, पर हर गल पैसा नहीं होंगी। किसी बंदे नू कहा गया जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम करती ला लैंदा, हुण तक तू मेरा मित्रा पैसे बहुत कमा लैंदा, पैसे नाल पोजीशन बनती, कोई कारोबार चला लैंदा, धनिया की सूची में तू भी अपना नाम लिखवा लैंदा। अगर जवाब आया कहिंदा गल तां तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लैंदा, धनिया की सूची में मैं भी अपना नाम लिखवा लैंदा, पर रुखां नाल छावां मिटदियां इस समा सब नू ढा लैंदा, किन्ने धनी हो तुर गए कौन किसी का नाँ लैंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी जे नानक हट्टी पा लैंदा। गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बह जाते फिर सज्जन ठग वर्गियां कौन सुधारदा, फिर मलक भागो ते भाई लालो दे रोटियां चों फर्क कौन कढ़दा, पंजां नाल पहाड़ कौन रोकदा, उदासियां करके किरत करो दा ते सच दा होका कौन दिंदा जनाब। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी, साडे कोल इहो जे गुरु पए ने, असीं तां पैरां दी तपैड़ धरनी है बस। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र जनाब, 23 साल की, और 17 साल का करो निकले, सिर्फ 6 साल 6 साल च रहिंदी दुनिया तक नाम रहूगा,
ਅਤੇ 99 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲੋਂ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਤਨ ਕੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਕੋ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਵਾਰ ਦੋ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਪਾਪ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਚੱਕ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਹਾਂ, ਗੁੜਗਾਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਪਲਾਟ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਦੀਆ ਕੇ ਘਾਟ ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬਸ ਜਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਦੀਆ ਕੇ ਘਾਟ ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਬਸ ਜਾਤੇ, ਤੋ ਜਨਤਾ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਂਟ ਦੋ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਤੇ। ਗਨੀਮਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਨਕੇ ਖੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਜਾਤੇ। ਉੱਚਤਾ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਉ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਨਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਜਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਊ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਨਵੈਂਟ 'ਚ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਹੁਣ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2:30 ਹੁੰਦਾ, 2:30 2:30, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3-3, 4-4 ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੋਂ 3-3, 4-4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ 2-4 ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ TV ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭੁਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਟੀਪ ਟੂਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਮਾਲੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾ ਦੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ, IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਭਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਬਸ ਆਪਣੇ।